हम सारे जितने पहलवान है हिंदुस्तान में वो सब पहलवान पेच हमसे सीख के गए। अच्छा तुमसे? अच्छा हाँ। तो जे पहलवान जीत आपसे तुम्हें नहीं मालूम है, हम बताऊंगा वाला पेच जानते हैं। बताऊं वाला पेच? वो कौन सा पेच है भैया? बताऊं वाला पेच हम जानते हैं, और इस पेच के मारे बेटे कहीं हारिए ना हो। हम तो जानते नहीं भैया, कहीं हारोगे ही ना, सिखाए तुम्हें। कौन सा पेच है बताओ भैया? हाँ मुनादी इधर लाओ, पंजाब मुनादी इधर रखो, और हम भी रख रहे हैं। अरे एक बार बताओ भैया, अरे बधाइयों की बात क्यों करता है? ये पंजाब की बात कर। हाँ ये पंजाब का पेच सिखाएंगे तुम्हें। हाँ तो पंजाब। और सुनो, इस पेच के मारे कहीं परेशान नहीं आएगी। इधर आओ, आपने कभी देखा नहीं है? हमने नहीं देखा। मैं दिखाएंगे तुम्हारे लिए पेच। हाँ बता भैया। ठीक है खड़े हो बेटे, ऐसा पेच है गैर पटके एकदम पटक दे। आज पीछे करो, आगे देखो, ऐसे नहीं नहीं आगे देखो, ये पेच है, आगे देखो सामने। हाँ मैं देख रहा हूँ। देख रहे हो? सही है। अबे है ये कौन सा पेच है? ये भाई पंजाब लड़का पेच है, घर गिरा गिरा बनाऊंगा दिखाओगे तुम। अच्छा अबे अबे पूरा पढ़ने दे। अरे है सीधा चल, इधर चल, इधर। अरे सुनो सुनो, हम तो मित्र हैं, तो आज सुनो। मित्र है? हाँ तुम भी मंत्री हम भी मंत्री। और मुनादी किसकी बजा रहे हो? हम तो राजा प्रथम की बजा रहे हैं। राजा प्रथम की? हाँ बजाओगे? अरे आप कहोगे तो हम क्यों बजाएंगे? नहीं नहीं बजाओगे? नहीं बजाएंगे, नहीं बजाएंगे। क्या कह रहे थे अभी? ये कह रहे थे प्रथम की बजा रहे थे। प्रथम की बजा रहे थे? हाँ। अब किसकी बजाओगे? किसकी बजाएं? हम बताएंगे किसकी बजाओगे। अरे आप कहो तो आपकी बजाएं। हाँ। ये कहो पहले बेटी सरस्वती बोलो, पहली बेटी सरस्वती, पहले बेटी सरस्वती, बेटी सरस्वती नहाएगी। हाँ नहाएगी। और उससे पहले कोई भी नहाएगा बोलो, उससे पहले कोई भी नहाएगा वो सजा की मौत कंपिल की पाएगा, वो सजा की मौत कंपिल में पाएगा। बोलो को आवाज लगाओ यार, हुआ शेर सिंह ये बात सुनो। पीटीआई? अरे हम पीटीआई और पिटाई करे आए। अरे सो कैसी? एक कोई चुलबुड्डा वहां गंगा पे घूम रहा था। अरे वो कह रहा था, पता क्या कह रहा था? हाँ, क्या कह रहा था? सबसे पहले राजा प्रथम माँ पंजाबती गंगा स्नान करेंगे, इससे पहले जो कोई नहाएगा उससे पहले कोई नहीं नहा सकता, और जो कोई नहाएगा वो सजा की मौत नरवर की पाएगा। अच्छा मैंने पकड़ लिया, मैंने भी सिखाया उसे फिर पेच? 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 अरे पेच मैंने पंजाब गढ़ का पेच सिखाया तो मैंने मार करके बंदी बना करके और उसकी मुनादी भी छीन लाया। मुनादी छीन ली? चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दे, कितनी है तुम्हारी? हमारी है 40। कितनी कर दें? 40,000 है। कितनी? 40,000 में हमारी तनख्वाह कर दे 39 + 40 हो गई। मगर एक बात बता साले, मुझ पे लात जो है, अरे हाँ मुझ पे हाथ बांध के फेरिए, मुझ पे लात फेरना। अरे रुक जा, तनखा बढ़ गई? तनखा बढ़ गई, काम सीनियर करो आपने, जो कि दूसरे का नौकर आपने मारो बंदी बना दी और मुनादी पीट छीन ली। मगर एक बात बता, जब कौन से पेच को तूने ये तनखा बढ़वाई?
क्यों? साले 39 से कम चार्ज करवाए तो एक एक तो रही हो। 39 कम 40 नहीं, इसका मतलब 39 घट गए। अरे एक तो रही हो, एक रही हो। हाँ अब इतने ही तो पढ़े लिखे ना, बताओ। कोई बात नहीं, पढ़े हम बहुत तेरे, आपकी जितनी तनख्वाह है महाराज, हम पढ़े बहुत तेरे। पढ़ाई जब हमने अपनी टोली तो 12.5 क्विंटल निकल। ठहर जा, पढ़ाई 12.5 क्विंटल नहीं थी, रद्दी होगी। जो किताबें पढ़ी थी वो होंगी 12.5 क्विंटल। पढ़ाई नहीं होती है, 12.5 तोली नहीं जाती। अरे यार हम तो भाई तोलता रहे। कोई बात नहीं, तुम्हारी तनख्वाह वो ही है, वही ठीक। अब बैठो आराम से, देखा जाएगा। निर्भरो, आज महाराज प्रथम है मंत्री। कहिए महाराज। तुमने काम होशियारी का किया और उसने धोखा दिया। हाँ, उसने धोखे से मुझे बंदी बना लिया। कोई बात नहीं, देखिए आप चिंता ना करें, धोखे से ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु रात्रि के 4 बजे के समय होने जा रहा है, गुरु गंगा दल ने बताया है गंगे का सोम स्नान करने का समय है। मेहरबानो भाइयों, आज राजा प्रथम और मंजावती गुरु गंगा दल ने अपनी ज्योतिष को खोल करके समय बता दिया। आज गंगा स्नान के लिए रानी मंजावती और प्रथम देखिए गंगा स्नान के लिए जाते हैं और बैतरणी माँ के किनारे पे जाकर के बैठ जाते हैं और किस तरह से आज गंगा का स्नान करते हैं। खुशी आज प्रथम को गंगा के करण जाए स्नान, रानी मंजा संग में जा रही पतिव्रता करते कौन से कान।